दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होने वाली है। तो इस वर्ल्ड कप में भारत के वो 11 धुरंधर खिलाड़ी कौन से हैं जो टीम इंडिया को इस बार चैंपियन बनाने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं, बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है और बड़े ही शान से वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया है। भारत के बाद दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की है जो 2 मैच हारे हैं, लेकिन उन्होंने भी गजब का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंचे हैं। भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में उनके अभियान को देखकर लगता है कि भारतीय टीम पूरी संतुलित है और टीम को देखकर लगता नहीं है कि बदलाव की जरूरत है। और इस टीम में बल्लेबाज और गेंदबाज किसी एक पर निर्भर नहीं है टीम इंडिया। बल्लेबाजी में बात करें तो बल्लेबाज रन बना रहे हैं, तो वहीं गेंदबाजी में बात करें तो सभी गेंदबाज विकेट चटका रहे हैं। इस वजह से टीम इंडिया बहुत ही खतरनाक दिख रही है और इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़े ही मुश्किल है। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में लगता है कि वर्ल्ड कप उठाने वाली है और टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या के जाने से नुकसान नहीं हुआ है। टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का काफी खास महत्व है, लेकिन 4 मैचों के बाद बांग्लादेश के दौरान हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए और फिर टीम से बाहर हो गए। उनकी वजह से रोहित शर्मा ने टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव करना पड़ा। हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव को बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को बतौर स्पेशलिस्ट गेंदबाज के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। अगर लीग स्टेज के 5वें मैच से लेकर सेमीफाइनल मैच तक भारत को 6ठे गेंदबाज की जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि इन 6 मैचों में मोहम्मद शमी ने अकेले ही 23 विकेट चटका दिए हैं। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले फाइनल मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। रोहित शर्मा के पास 5 विकेट टेकिंग गेंदबाज के विकल्प हैं, तो 6ठे नंबर की भरपाई पूरी नहीं कर पा रही है टीम इंडिया। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल आएंगे और 3रे नंबर की बात करें तो 3रे नंबर पर विराट कोहली, 4थे नंबर पे श्रेयस अय्यर, 5वें नंबर पे केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज, तो वहीं 6ठे नंबर पे सूर्य कुमार यादव, 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पे हमारे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पे मोहम्मद शमी, 9वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह और 10वें नंबर की बात करें तो कुलदीप यादव या मोहम्मद सिराज में से कोई एक खेलेगा। और वहीं 11वें नंबर की बात करें तो 11वें नंबर पे रविचंद्रन अश्विन को मौका मिल सकता है। कप पिच स्पिन फ्रेंडली है तो अश्विन को खेलना लगभग तय है।